तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नेटवर्क। एंड गाइस क्या डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न? एंड क्या वो रिटर्न करके यहां पे दोबारा से रीयूनाइट करेंगे शील्ड फैक्शन को? तो क्या पूरी अपडेट मैं कवर करने वाला इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में आने वाले बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर करें ताकि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स सबसे पहले देखने को मिलती रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि डीन एम्ब्रोस के AEW कॉन्ट्रैक्ट में है 1 साल का ऑप्ट आउट क्लॉज। आपको नहीं पता ये ऑप्ट आउट क्लॉज क्या आता है तो ये भी मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। गाइस यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि ऑप्ट आउट क्लॉज का मतलब होता है कि अगर 1 साल डीन एम्ब्रोस AEW के साथ काम कर चुके हैं तो कभी भी 1 साल के बाद AEW छोड़ के किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में जा सकते हैं। यानी गाइस डीन एम्ब्रोस 1 साल के बाद WWE या फिर NJPW ROH किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में जा सकते हैं। एंड वो 1 साल पूरा हो चुका है डीन एम्ब्रोस का। इसका मतलब आप समझ लो कि कभी भी डीन एम्ब्रोस WWE में आ सकते हैं या फिर NJPW ROH में भी जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के जो डोर्स हैं WWE में वो बिल्कुल ही वाइड ओपन है। तो गाइस यहाँ पे डीन एम्ब्रोस का रिटर्न पॉसिबली हो सकता है। खैर यहाँ मैं आपको बता दूँ कि करेंटली स्मैकडाउन रोस्टर में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों ही काम कर रहे हैं। एंड यहाँ कुछ रूमर्स ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेथ रॉलिंस जो हैं वो रोमन रेंस के साथ एक फैक्शन फॉर्म करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे दोनों सुपरस्टार जो हैं हील सुपरस्टार्स हैं एंड रोमन रेंस है ट्राइबल चीफ एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस है स्मैकडाउन सेवियर। तो गाइस गिमिक्स काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही काफ़ी जल्द एक फैक्शन फॉर्म करने वाले हैं। एंड ऐसे में अगर इस मोमेंट पर होता है गाइस यहाँ पे हमारे डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली का रिटर्न, तो गाइस यहाँ पे पॉसिबली हमें एक बार फिर से शील्ड फैक्शन देखने को मिल सकती है। अगर आप सब डब्ल्यूडी को पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आप सबको पता भी होगा कि डीन एम्ब्रोस जब डब्ल्यूडी छोड़ के गए थे तो गाइस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था ये शील्ड के लिए। एंड अगर यहाँ पे डीन एम्ब्रोस रिटर्न करते हैं एंड वो रीयूनाइट कर देते हैं शील्ड को एक बार फिर से तो ये काफ़ी कमाल का मोमेंट होगा पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो गाइस यहाँ पे ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड डब्ल्यूडी पैसों और व्यूअरशिप के लिए कुछ भी कर सकती है, आप सबको पता है। तो ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड अगर डीन एम्ब्रोस को विंस मैकमैन मोटे पैसे ऑफर करते हैं तो डीन एम्ब्रोस अपना रिटर्न जरूर करेंगे। बाकी आप अपने थॉट्स मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट ऑफ फेयर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।